नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केएम शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो शेयर अभी तक हमें 0.73% ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस शेयर का मैं पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन करूँ तो शेयर ने जबरदस्त रिटर्न 20% के आसपास निकाल के दे दिए हैं, और अगर इस शेयर का पिछले 1 साल का चार्ट ओपन करूँ शेयर ने हमें 32% के भी जबरदस्त रिटर्न निकाल के दे दिए हैं। दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी बहुत अच्छी तरह से काम करती हुई देखने को मिली है। कंपनी से जुड़ी हुई मैं आज से 1 महीने पहले न्यूज़ भी लेके आया था। उस न्यूज़ में मैंने साफ साफ बताया था कि अगर शुगर कंपनी की बात करें तो उसमें केएम शुगर बहुत अच्छे से सही काम करती हुई मिली है। कंपनी हमें छोटी देखने को मिलती है, लेकिन उसकी कंपेयर में अगर कंपनी का काम देखें तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आपको पता है बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका शुगर की बात करें, उनका रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें नेगेटिव में आता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी की बात करें, कंपनी बहुत अच्छे से काम करती हुई देखने को मिली है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने वाई शुगर पर एक अच्छा खासा काम किया, उसके बाद इथेनॉल की कैपेसिटी भी लगातार बढ़ाती हुई देखने को मिली है, और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में भी इनका नेट प्रॉफिट एक अच्छी खासी रेंज में बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसके बाद हमें शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देती हुई देखने को मिल रही है। आपको पता है शुगर से जुड़ी हुई इस चैनल पे टाइम टू टाइम न्यूज देखने को मिलती रहती है, जिसमें आपको हाल ही में बताया गया था कि आने वाले समय में शुगर एक्सपोर्ट बंद होता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे ही सरकार अब अनाउंस करने वाली है कुछ ही टाइम में। उससे पहले मैं अपडेट लेके आया था जिसमें बताया था कि शुगर के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और वैसे ही हमें देखने को भी मिला, और इस कंपनी में भी उस न्यूज का असर देखने को मिलता गया। और कंपनी की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए, कंपनी बहुत अच्छी तरह से इनका रिवेन्यू, ईपीएस, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला, और कंपनी ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी एक अच्छा खासा काम करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट की परफॉर्मेंस की भी बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। रिवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन तक की बात कर लीजिए, कंपनी इसकी बदौलत हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिली है। और कंपनी अगर ऐसे ही काम करती गई, यही 34 वाला शेयर आपको 50 भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत खूबसूरत तरीके से हमें काम करती हुई देखने को मिली है। और कंपनी अगर ऐसे काम करती गई तो कंपनी आने वाले समय 50 जाना भी डिजर्व करती है। तो आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये शेयर है, होल्ड करके रखिए, क्वार्टर रिजल्ट पे एक ध्यान रखिए किस हिसाब से इस बार के भी क्वार्टर रिजल्ट हमें शो होते हुए देखने मिलेगा। कंपनी इस बार भी एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट शो करे तो आप इसमें क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो मैं जाते जाते ही बोलूंगा, होल्ड करके रखिए जिस हिसाब से काम कर रही है, शेयर आने वाले समय 50 जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। शो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।